लीस्ट स्क्वेयर अप्रोक्सीमेशन है, ये भी आपको ये स्पेशली यूज होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा को फिट करने के लिए। ठीक है, आपने फिटिंग नाम सुना होगा तो ये वही लीस्ट स्क्वेयर अप्रोक्सीमेशन ही होती है। या फॉर एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई डिवाइस है, आप डिफरेंट टेम्परेचर पे आपके पास डाटा आया है वो किसी रजिस्टर का, लेट से कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपने उसकी लिखी है रेजिस्टेंस, डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस लिखी है। ठीक है, तो आप देखते हो कि डाटा में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगी, तो आपको सही जो प्लॉट देगा वो प्लॉट देगा ए और बी की जो बेस्ट वैल्यू होगी। ए और बी की बेस्ट वैल्यू हो तो आपको अच्छा प्लॉट देगा, और आप दरम्यान में भी कहीं वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट केस में देखा है कि टी की कुछ आपने अगर डाटा लिया है 10 वैल्यूज के लिए टेम्परेचर की, तो आपके पास 10 रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, लेकिन आप उनके दरम्यान में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसको वो इंटरप्रेट कर लेते हो, उसको फिट कर लेते हो, तो आप दरम्यान में भी सही से प्लॉट कर सकते हो वैल्यूज। तो ये जो मेथड है लीस्ट स्क्वेयर है, करना हमने इसमें ये होता है कि आपने जो जो पॉइंट्स है, लेट से ये पॉइंट्स हैं डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये लेट से ये ब्लैक लाइन जो है ये आपके पॉइंट्स है, एक्चुअल डाटा है, तो ये डॉटेड लाइन है आपका मॉडल है जो प्रिडिक्ट करता है। तो आपने इन पॉइंट्स से, ब्लैक पॉइंट से, इस ये जो लाइन है आपका जो मॉडल है जो प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यू, उससे ये डिफरेंस मिनिमम करना होता है। जैसे आपकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं और डाटा के दरमियान में डिफरेंस कम हो जाएगा तो आपका मॉडल अच्छा होगा। ठीक है, कि आपके पास गिवन डाटा है, उस डाटा पे आप कोई प्रिडिक्ट करते हो मेरा मॉडल ये है, तो आपने फिर उस मॉडल के लिए डेटा पॉइंट्स को देखते हुए अपने मॉडल और डेटा पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना है, तो जहाँ वो मिनिमम हो जाएगा डिफरेंस, तो आपकी वो आपका वो मॉडल होगा जो प्रिडिक्शन के लिए तैयार होगा। तो एरर इसमें किस में है, सिर्फ आउटपुट के लिए। और डेविएशन हम कैसे मेजर करेंगे, ये डिफरेंस से, डिस्टेंस से, कि ये हमारा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल डाटा की वैल्यू है उसके दरमियान में डिफरेंस क्या है। अच्छा, इस केस में अगर आप देखें कि मैं सिर्फ स्क्वेयर्स का सम लूं, एरर्स का सम लूं, जैसे ये देखिए ये पॉजिटिव एरर है, ये होगा नेगेटिव एरर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये शो करेगा कि मेरे पास एरर जीरो है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये देख रहे हो कि लाइन अलग है, ये जो डॉटेड लाइन है वो अलग है, तो एरर तो जीरो तभी इसको शो करना चाहिए ना, कि जब दोनों हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू और डाटा की वैल्यू सेम हो। लेकिन इस केस में सेम भी नहीं है, फिर भी ये आपको जीरो देगा। तो इस केस में हम सम ऑफ एरर नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, सम ऑफ एरर्स स्क्वायर लेते हैं, एरर जो एरर्स हैं उनका स्क्वायर लेते हैं। तो ये स्क्वायर लेने से फिर हमें क्या फायदा है? हमें फायदा ये होगा ना कि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, हाँ नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे और मुझे सही बताया कि हाँ ये इसमें एरर अभी है। तो ऐसा नहीं हुआ कि एरर हो और मुझे ये बताया कि एरर है ही नहीं, ऐसे ही है ना, यहाँ तो एरर है दोनों में। yes, तो अगर मैं इनको एग्जैक्टली ऐड कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा एरर सम, जबकि एरर है लाइन में और वो मुझे क्या बता रहा है मेरा मैयर कि एरर नहीं है, तो अगर मैं इनका स्क्वायर ले लूं तो वो मुझे एरर बताया कि हाँ इस दोनों में एरर है, और जीरो तब होगा yes, जब एरर नहीं होगा। तो एस कैपिटल एस को मैं कहता हूँ, बोलो वलीद सर, लाजमी की दोनों इक्वल ही होंगे, या पॉजिटिव एरर बड़ा नहीं हो सकता, नेगेटिव एरर बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हां लेकिन आप आईडिया गेट कर गए हो, हां आईडिया ले गए हो, मतलब दोनों उस रेंज के दरमियान होने चाहिए। आप आईडिया मकसद था इसको आईडिया देना कि ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे, वो कम ज्यादा होंगे जाहिर सी बात है उतने ही वो कंट्रीब्यूशन उसकी होगी, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आईडिया ये है, लाजमी है दोनों बराबर हों। एक दूसरे मैंने छोटा सा एक आर्गुमेंट बताया कि ये दोनों बराबर कर दिए। Y, जो कैपिटल Y है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी कि जो आपने वो रजिस्टर की वो लेट से आपने रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो मालूम की है किसी खास टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आपकी इनपुट है और आउटपुट क्या है आपका रेजिस्टेंस, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेरे पास कैपिटल Y से मैं शो करूंगा। और ये मेरा जो स्मॉल Y है ये मेरा मॉडल है, ये मेरा मॉडल है AXI+B। तो कैसे इसको अच्छा मॉडल क्या होगा, जहाँ पे ए बी की वैल्यू बेस्ट होगी, और बेस्ट वैल्यू ए बी की कैसे मिलेगी हमें, जब ये हमारे मॉडल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में फर्क कम से कम होगा। ठीक है, कि मेरा मॉडल भी वही प्रिडिक्ट करे या एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली प्रिडिक्ट करे जो मेरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये एरर है ई आई,
तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस मॉडल की मॉडल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस मॉडल। तो लीड स्क्वायर मेरे पास होगा एरर्स का स्क्वायर, स्क्वायर सम, तो ये फर्स्ट एरर उसका स्क्वायर, ये सेकंड एरर, अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एरर क्या है। तो ई वन होगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और फर्स्ट डेटा जो मॉडल की जो प्रिडिक्शन है उसके दरमियान में डिफरेंस। तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ई थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप ई की वैल्यू पुट कर दो, तो ई वे इज इक्वल टू था वाई आई माइनस स्मॉल वाई आई, तो स्मॉल वाई आई की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी। तो ये देखो इन दोनों को मैंने सम में लिख लिया, समीशन में, समीशन ये सम डिनोट कर रहा है, तो वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी ये इसका स्क्वायर। तो आपने अगर कोई फंक्शन मिनिमम करना हो तो आप क्या करते होते हो, डेरिवेटिव लेके जीरो करते हो, डेरिवेटिव लेके जीरो करते हो, यही करते हैं ना। तो मैंने मिनिमा किसके रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, ए और बी के रिस्पेक्ट से। तो मैं ए का डेरिवेटिव लूंगा तो इक्वल टू कर दूंगा जीरो, एस का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वेट कर दूंगा जीरो के, एस का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी और जीरो कर दूंगा। जिसके रिस्पेक्ट से आपने मैक्स मिनिमा फाइंड करना होता है तो आप उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हो, तो इसमें भी हमने यही किया। तो एस का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप देखोगे ये क्या होगा, पावर रूल, पावर पावर में से एक माइनस टू माइनस वन ये हो गया, और बेस का डेरिवेटिव, और बेस का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये ए माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, सही हो गया। अब इसी तरह बी के, बी की स्पेशल डेरिवेटिव लिए तो इस केस में टू पावर में से एक माइनस, और बी का डेरिवेटिव माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन, तो माइनस वन सॉ। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन मैंने सम अलग अलग करके लिख दिया, तो ये टू उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वाई आई माइनस एक्स आई, ये सम हो गया। सेकेंड टर्म है ए बाहर आ गया और एक्स आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई, एक्स आई स्क्वायर हो गया। बी है, बी बाहर, और ये सम किसके ऊपर है एक्स आई पे। तो इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, एक्स आई वाई आई वाली टर्म उस तरफ ले जाओ, तो ये मेरे पास ये हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। अब भाई सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से देखो एक टर्म आएगी वाई आई माइनस के साथ माइनस वाई आई सम ये हो गया, और दूसरी है प्लस ए एक्स आई, और थर्ड है प्लस बी और वन एन टाइम सम है। तो एक को आप एन टाइम सम करोगे तो क्या बनेगा, एन बनेगा, ऐसे ही है या नहीं, वन एन टाइम सम करोगे तो एन माइनस सम वाई आई को सब भेजाओगे तो ये टर्म हो गई। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का रिजल्ट ही है। फर्स्ट इक्वेशन को अगेन मैंने दोबारा यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही। तो इसमें देखो अब आपके पास क्या हुआ, दो टू इक्वेशन टू अननोन, टू इक्वेशन टू अननोन, आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर। जी आप कुछ पूछ रही थी सर, जो इक्वेशन ए और बी, जो इक्वेशन वन और टू है उसके साथ जो टू मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो जब जीरो हो जाएगा। जीरो किया हुआ सर। हाँ जीरो हो जाएगा। और सर ये जो बी वन आपने किया है ये क्या आपने बताया था, दोबारा बताएं ये कौन सा, ये जो आपने बी के साथ वन लगाया है सिग्मा के साथ। अच्छा ये है ना, ये हमारे पास यहाँ से सम में आएगा, बी वैसे कॉन्स्टेंट है सम से बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। तो अब वन को आप एन टाइम सम करोगे तो एन हो जाएगा ना, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम करोगे तो एन। अच्छा बी तो वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वन लिखना जरूरी, और ये जो एन टाइम कह रहे हैं इसका क्या मतलब। एक मिनट, वन लेट्स से एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है फोर, ठीक है फोर है, तो ये सम क्या बता रहे, वन को फोर टाइम ऐड करो, वन प्लस टाइम वन प्लस वन
क्या किसके इक्वल है? 4k. 4k. यही बात कर रहे हैं हम यहाँ. 4k. ठीक है सर. ठीक है सर. हाँ बोलो सर. यहाँ सर आपने जो समीशन के ऊपर i = 1 और n लगाया वो सिर्फ b वाली टर्म्स के साथ क्यों लगाया, बाकी a और दूसरी टर्म्स के साथ क्यों नहीं लगा? वो सब के साथ है. मैं बस वो मैं सो रहा था इस वजह से नहीं. सारे i = 1 से लेके n तक है, सारी जो है वो सम i = 1 से n तक है, इसी वजह से मैंने रेड में लिखा. सर इतना तो ऊपर भी आएगा जो हमने कहां पे जो हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया है. हां वो इसको अभी डेटा पॉइंट के अलावा भी उसको एवैल्यूएट नहीं ना कर सकते. डेटा पॉइंट स्पेसिफाई होगा तो एवैल्यूएट करोगे उसे. यहां पे भी डेटा पॉइंट होगा तो फर्दर इसे ठीक है. सर ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है सेकंड लाइन में, सर ये a.x एट i है या फिर a एट x i है? कौन सी क्वेश्चन सर ये सेकंड लाइन? ये सर ये सेकंड लाइन सर इसके साथ वाला माइनस a. ये हां ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सबस्क्रिप्ट में नहीं है. सॉरी ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, x i मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है इसकी अब एग्जांपल देख लेते हैं. तो ये मेरे पास डेटा पॉइंट है, ये टेम्परेचर्स हैं, उन टेम्परेचर पर रजिस्टर की ये वैल्यूज हैं. तो मैंने इक्वेशन में जो वो इक्वेशन क्या हमारे पास बनेगी कि उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टेम्परेचर है, डिपेंडेंट वेरिएबल रजिस्टर है, और वो इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये. ठीक है सम कहाँ से 1 से लेके 5 तक, सम 1 से 5 तक, 1 से 5, 1 से 5. तो मैंने सिर्फ ये कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, ये जो सम्स हैं वो फाइंड करने हैं. तो मैं वैल्यू दोबारा पुट करूंगा इक्वेशन में, मेरे पास दो इक्वेशन दो नॉन सिमिलरिटी सॉल्व करूंगा ये भी आ जाएगा. तो ये टी आई पहला मेरी इक्वेशन कह रही है एक्स आई का सम था, तो यहाँ पे टी आई का सम आएगा. तो सारी वैल्यूज को सम कर लो तो मेरे पास ये आ गया. एन की वैल्यू क्या है? 5 है. एन वैल्यू 5 है तो 5 आ जाएगा. ये नहीं है तो अगेन मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? आर आई सम. तो आर आई को मैंने सम कर लिया, तो ये सारी वैल्यूज को सम कर लिया वो ये. दोबारा टी आई स्क्वायर का सम था मेरे पास, तो ये मेरे पास टी आई स्क्वायर का सम है. इधर मुझे एक और टर्म चाहिए, टी आई आर आई का सम चाहिए, दोनों को एन के मल्टीप्लाई करके उन सब का सम वो ये आ गया. अब ये सारे मैं दोबारा इस इक्वेशन में पुट करूंगा. तो मैंने इस इक्वेशन में पुट की, टी आई सम की जगह पे 273 आ गया, इधर भी टी आई सम था 273 आ गया. सारी वैल्यू पुट कर ली मैंने. अब दोनों को सिमिलरिटी सॉल्व किया, यानी कि एक में से एक ही वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो आप, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3.395 और बी की वैल्यू आ गई 702.2. तो ये मेरे पास मॉडल है. अब वो सारे 20.5 से लेके 95.7 तक आपको सारी वैल्यू प्रेडिक्ट करके देगा. दरमियान में कोई भी टेम्परेचर पुट करो आपको रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बताएगा. जी सर ये आर किस रिप्रेजेंट कर रहा है? जो नीचे आकर रेजिस्टेंस रेजिस्टर रेजिस्टेंस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में. और टी है टेम्परेचर है. सर अगर हम 5 की बजाय 3 से 4 वैल्यू हम इसको अप्लाई कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, तो क्या सर हमारे पास यही आंसर नहीं आएगा ए और बी का? नहीं जरूरी नहीं है. मैंने आपको कहा जितने पॉइंट्स आपके पास ज्यादा होंगे आपके पास डाटा की मॉडल उतनी अच्छा होगा. लाजमी नहीं है यही आंसर है.